अक्सर आप लोग लेबोरेटरी में काम करते हुए ये सुनते होंगे कि सैंपल हेमोलाइज हो गया है, या जो पेशेंट है उनसे बोला जाता है कि आपका सैंपल हेमोलाइज हो गया, हमें रिपीट सैंपल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से जो आपका सैंपल होता है ब्लड सैंपल वह हेमोलाइज हो जाता है और उससे हम टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हेमोलाइज सैंपल से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो आपका रिजल्ट होगा वह करेक्ट नहीं माना जाएगा, या तो ज़्यादा हायर साइड में आएगा या ज़्यादा लोअर साइड में आएगा। तो कभी भी हेमोलाइज सैंपल होता है उसे हम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन हेमोलाइज सैंपल क्यों होता है, उसके रीजन क्या होते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहले जो रीजन आता है कि सैंपल हेमोलाइज हो गया है, तो उसके लिए होता है कि आप जब भी सैंपल कलेक्ट करते हो तो उसको ठीक तरीके से ट्यूब में मिक्स अगर नहीं करते हो तो सैंपल आपका हेमोलाइज होने के चांसेस बने रहते हैं। या आप जो सैंपल ले रहे हो ट्यूब में, जब आप लेते हो, जब ट्यूब में सिरिंज से जब ट्यूब में सैंपल को डालते हो तो टू फास्टली अगर आप रिमूव करोगे तो जिससे जो आरबीसी होगा वह ब्रेक हो जाएगा और आरबीसी के ब्रेक होने से सैंपल हेमोलाइज होने के चांसेस बने रहते हैं। यह आप सैंपल ले रहे हो, सैंपल को अगर टेम्परेचर मेंटेन अगर नहीं हो पाया, 2 to 8 अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो भी आपका जो सैंपल होता है वह हेमोलाइज हो जाता है। अक्सर देखने को ये मिलता है कि लोग कलेक्शन करते हैं सैंपल का तो काफ़ी बारीक नीडल का यूज करते हैं। अगर आप ज़्यादा बारीक नीडल का यूज करोगे तो उस स्थिति में भी आप सैंपल जब पेशेंट से प्रिक करके लेते हो तो उसमें भी आरबीसी के ब्रेक होने के चांसेस बने रहते हैं, जिसकी वजह जो सैंपल होता है वो हीमोलाइज हो जाता है। अगर आप लेट टाइम तक कलेक्शन करते हो, यानी किसी पेशेंट को आपने प्री किया उसका ब्लड नहीं आ रहा है, फिर भी आप सैंपल लिए जा रहे हो फोर्सफुली लिए जा रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो सैंपल होता है वह हीमोलाइज हो जाता है। आप अधिक टाइम तक अगर पेशेंट को कलेक्शन करते टाइम अगर टॉर्निकेट को अगर बांध के रखते हो तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से सैंपल हीमोलाइज हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों आता है कि सैंपल को अगर प्रॉपर तरीके से आपने मिक्स नहीं किया, यानी कि ट्यूब में लिया और प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स नहीं किया तो उस कंडीशन में जो सैंपल होता है वह हेमोलाइज हो जाता है। फिर से आता है कि आप अगर प्रॉपर वेन साइट को सिलेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि आप जब भी सैंपल लेने जाते हो तो वहाँ पे जो वेन होता है कौन से वेन से हमको ब्लड लेना है ये सिलेक्ट नहीं किए और एक ऐसे वेन को सिलेक्ट किए जहाँ पे आपने प्रिक किया लेकिन सैंपल आ नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो सैंपल होता है वह हेमोलाइज हो जाता है। अक्सर देखने को मिलता है अगर लोग कैपिलरी कलेक्शन करते हैं, अभी आज के ज़माने में तो बहुत कम करते हैं लेकिन पहले लोग कैपिलरी करते हैं, जब आप कैपिलरी कलेक्शन करोगे और ट्यूब में सैंपल लोगे तो उस कंडीशन में भी टाइम डिले ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो सैंपल होता है वह हेमोलाइज हो जाता है। अगर सेंट्रीफ्यूज करने का टाइम, जब आप सैंपल कलेक्ट किए हो तब से लेकर सेंट्रीफ्यूज करने के टाइम में भी अगर ज़्यादा गैप होता है तो उस कंडीशन में जो आपको सैंपल होता है वह हेमोलाइज होने के चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद भी सेम जो सेंट्रीफ्यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूज का जो टेम्परेचर है वो मायने रखता है, उसका स्पीड कितना है, कितने टाइम तक अगर सेंट्रीफ्यूज करते हो ये भी डिपेंड करता है कि सैंपल आपका हेमोलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सैंपल ट्रांसफ़र करने का टाइम पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि सैंपल आज आपने सैंपल कलेक्ट किया और आप सैंपल 24 hours या 48 hours बाद लैब में आप सेंड कर रहे हो, उस कंडीशन में अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता या एक ऐसे ट्रेवल से आप सेंटर सैंपल को भेज रहे हो सेंटर पे लेबोरेटरी में जहाँ पे सैंपल बहुत ज़्यादा अगर हिल डुल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके वजह से भी सैंपल हेमोलाइज होने के चांसेस बने रहते हैं। और अगर आप ठीक तरीके से स्टोरेज नहीं करते हो सैंपल को तो भी आपके सैंपल हेमोलाइज हो सकते हैं। तो सब कुछ मिलाकर सैंपल हेमोलाइज होने के मेन कारण यही होता है कि आप जो जब से सैंपल कलेक्ट करते हो और जब तक सैंपल सेंट्रीफ्यूज नहीं हो जाता है उस बीच में जो भी टेक्निकली अगर कोई भी अगर आपसे गलती होती है तो उसके वजह से सैंपल हेमोलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, प्रोसेस नहीं कर सकते हो और रिपीट आपको सैंपल कलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिया है जिसकी वजह से सैंपल आपके हेमोलाइज होता है। अगर आपको फिर भी लगता है कोई ऐसा टॉपिक बाकी रह गया जिसकी वजह से सैंपल हेमोलाइज होता है तो नीचे कमेंट करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि हेमोलाइज होता क्या है, क्या होता है हेमोलाइज और हेमोलाइज से क्या हमको सैंपल प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।